देश के प्रख्यात विश्वविद्यालय में से एक एएमयू का जेएन मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में है। यहाँ रेजिडेंट डॉक्टरों के द्वारा प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं छात्रों के इस प्रदर्शन को रेजिडेंट डॉक्टर के प्रेसिडेंट ने भी पूरा समर्थन दिया है। दरअसल जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसके आधार पर डॉक्टरों को पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं छात्रों का आरोप है कि बीते दिनों डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे छात्रों की एक प्रोफेसर से कहां सुनी हो गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा वीसी से की गई, जिसके बाद उस प्रोफेसर पर कार्रवाई की गई। उसी बात से नाराज प्रोफेसर उनको मार्क्स कम देकर फेल करना चाहता गए। इसकी खबर किसी तरह रेजिडेंट डॉक्टरों को हो गई, तभी से वह धरने पर बैठ गए। उनके द्वारा अपनी कॉपियां दोबारा चेक करवाने की बात कही है। साथ ही डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि उनके मार्क्स पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा है, लेकिन प्रोफेसर फिर भी उनको फेल कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर से जब बात करने की कोशिश की गई तो पता चला कि अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर छात्र फेल कैसे हो सकते हैं। वहीं पूरे मामले पर रेजिडेंट डॉक्टरों के अध्यक्ष हमजा के द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों का पूरा समर्थन करते हुए छात्रों की कॉपियों को दोबारा जांच करवाने की बात कही है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरह से छात्रों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। जलालीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। धरने बैठे आज क्या है? हम लोग धरने बैठे हैं बिकॉज अभी रिसेंटली सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ है। हमारा एप्रीहेंशन है कि इस एग्जाम में भी जैसे पहले एग्जाम में जबरदस्ती का फेल किया गया है। जबरदस्ती का फेल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आरटीआई से जो कॉपी निकाली गई यहाँ पे लगाई गई है, आप सब लोग देख सकते हैं, उसमें अच्छा लिखने के बावजूद और वाइवा में भी सही बोलने के बावजूद उसमें फेल किया गया। उस समय भी हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन ये हुआ कि चलो सप्लीमेंट्री में एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम में सिंस उस समय जब मैंने कंप्लेंट किया था तो मुझे बुला के धमकी दिया गया था। इन्होंने मुझे बुलाया था, प्रोफेसर ने बुलाया था, मुझे बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर से चिढ़ेगा और एग्जामिनर चिढ़ के आपको दोबारा पास नहीं होने देगा। एग्जामिनर इज द अल्टीमेट पावर, एग्जामिनर इज द सुप्रीमो, अपने आप को सुप्रीमो बोले एग्जामिनर इज द लाइक सुप्रीम कोर्ट। अगर आप उसके अगेंस्ट लिखेंगे, अगर हायर अथॉरिटी जाएंगे तो इट्स लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है वैसे एग्जामिनर का कंटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनर होगा। इसलिए आपको ऐसा जो है कि दोबारा आपको पास नहीं होने दिया जाएगा, डायरेक्ट उन्होंने साफ साफ बोल दिया था। तो ये हमारा अप्रिहेंशन है कि दोबारा एग्जाम हुआ है और दोबारा हमने लिखने के बावजूद अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग बैठे कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दोबारा नहीं करने को अनुमति नहीं दी जाती तो आपको विस्तृत क्या आगे की लड़ाई क्या रही? क्या चीज आगे की लड़ाई? जैसा हमारी एसोसिएशन का डिसीजन होगा हम उसमें सपोर्ट करेंगे। आगे की लड़ाई हम वीसी और अगर वहां से भी कानून बनता है तो नेक्स्ट विल बी लीगल। नाम क्या? डॉक्टर अहमद। देखिए आडी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सम्मान में जवाब भाई कि हमारे दो जो है जूनियर रेजिडेंट जिन्होंने अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए उनको कुछ डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स के चलते उनको लगातार दूसरी बार फेल किया जा रहा है और इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादा ना हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेन एग्जाम में एक बेहतरीन बहुत जबरदस्त कॉपी लिखने के बावजूद उन्होंने अपनी जो है द्वेष के चलते हमारे जूनियर रेजिडेंट को एक रोका और उनको बाकायदा फेल किया। जैसा कि जब आरटीआई के जरिए से हमने कॉपी निकाली तो उनकी कॉपी जिसमें उनको जो है 100 में 35 नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि उसमें किसी भी आप हिंदुस्तान किसी भी एग्जामिनर से कॉपी को चेक कराइए अगर उनको 60 नंबर से कम दिया जा रहा है तो मैं कहूंगा कि उनको जिंदगी भर फेल किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत बेहतरीन कॉपी लिखी है जिसमें जबरन उनको जो है 35 नंबर देकर के रोका गया है और ये बात हम लोग बखूबी जानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और लगातार उनको बुला करके जो जूनियर इंजीनियर उनको धमकाया गया कि तुम्हें हम एग्जाम में देख लेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और यही हुआ कि जब सब्जी का एग्जाम हुआ तो इनको रोक दिया गया। तो आरटीए के इस तरह के जुर्म को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई अपने आप को यूनिवर्सिटी अपनी जाति समझ रहा है और इस तरह से जुर्म जबर रेजिडेंट पे करना चाह रहा है, गुंडागर्दी करना चाह रहा है तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है, इसकी जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। प्रोफेसर जियाउर रहमान साहब का कहना है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, उन्हें कैसा मालूम था वो फेल हो गए? प्रोफेसर जियाउर रहमान का अव्वल दिन से जिस तरह से रहा है कि मतलब आप
उनकी बातों में मत आइए। उनका जिस तरह से तरीकेकार रहा है लोगों से बात करने का, जिस तरह से वो अपने नरम लहजे से कुछ और बात करते हैं और अंदर कुछ और रखते हैं, तो हमने ये जो है हमें ये पता चला है कि बच्चों को रोका गया है। और उन्होंने खुद मेन एग्जाम में कहा था कि हम तुम्हें जो है रोक करके दिखाएंगे, तुम्हें जो करना हो वो कर लेना। क्या कारण है जो बच्चों को वो अपनी मर्जी से फेल करना है और उनको एग्जाम में पास होने के लिए? देखिए, ये एक बात सबको क्लियर है कि आज से लगभग 7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले एक फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो किसी गलत पूरी तरह से आरोप में मतलब गलत काम में मुलविस थे। वो एक रेजिडेंट को प्रताड़ित कर रहे थे, उसमें इंक्वायरी हुई और वो सजाकार खताकार पाए गए उसमें और वो सस्पेंड हुए। तो इसी बेसिस पे आरडीए को ये पूरा लग रहा है कि उसी के बुनियाद पे प्रोफेसर जो है जियाउर रहमान उनके दोस्त यार हैं और उन्होंने हालांकि हमारे रिजल्ट से ये भी क्या वो अपनी जाती, हाँ एकदम क्लियर, इसमें कोई वो नहीं है डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स से। उन्होंने कहा कि आप जाकर के उनका पैर पकड़िए फिर हम आपको वो करेंगे। तो क्या मैं कहूंगा कि क्या किसी के बाप का ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? हाँ, क्या हमारे रहमोक्रम से यहाँ पे ये प्रोफेसर नहीं है क्या, या उनके रहमोक्रम पे हम हैं? अगर वो इनके दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि वो रेजिडेंट को डरा देंगे, धमका देंगे, दबा देंगे, तो वो अपने दिमाग से बात निकाल दें। हम अपने जमहूरी अंदाज में अपनी बात को जिम्मेदारों के सामने रखेंगे और उनको ये तय करना होगा, उनको इनकी गुंडागर्दी की दुकान को बंद करनी होगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हमजा मलिक, मैं आरडीए का प्रेसिडेंट हूँ। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।